फरमाए नाज़ है। फरमाने की हर हर शंभु शिवा महादेवा, शंभु शिवा महादेवा, करुणावदारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हितारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। महादेव जे हो तुम्हारी जे, बजरंग बली लेके शिव रूप आना गजब हो गया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरण जायज नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरण जायज नहीं है। जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है, तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज करे। शिवा महादेवा। आपने कावड़ यात्रा के दौरान इस सॉन्ग को रिलीज किया था जी। लेकिन जहाँ इसकी प्रशंसा हिंदू लोग कर रहे हैं, वही मौलाना ने इस सॉन्ग पर टिप्पणी की, भजन पर टिप्पणी की है, क्या कहना आपका जी? हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मुस्लिम लड़की फरमानी नाज ने जैसे ही हर हर शंभू वाला गाना गाया, उसके बाद मजहब खतरे में आ गया। बड़े बड़े मौलाना मौलवी फतवा निकालने लगे कि ये हमारे मजहब में हराम है, और इतने सालों से जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और उर्फी जावेद कर रहे हैं, ये हराम नहीं है इस मजहब में। और जब कोई मुस्लिम लड़की या लड़का कभी भजन कीर्तन या कोई देवी देवता का गाना गा देता है, तब मजहब खतरे में आ जाता है और फतवा निकालना चालू कर देते हैं। फरमानी नाज की स्टूडियो में माता सरस्वती की मूर्ति रखी हुई है, तो ये मौलाना मौलवी तो पागल ही हो जाएंगे। जैसा कि आप स्टूडियो में देख सकते हैं, माता सरस्वती की मूर्ति फरमानी नाज के स्टूडियो में रखी हुई है। शहनाज अख्तर के ऊपर ना जाने कितने फतवे निकले, भगवा रंग जैसे और हर घर में भगवा छाएगा, ये सब गाना गाने वाले मुस्लिम लड़की शहनाज अख्तर भजन कीर्तन के गाने गा रही है। और आज फरमानी नाज के ऊपर भी देवबंद के उलेमा मौलाना मौलवी ने फतवे निकालना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और फतवे निकालकर अपने मजहब की फजीहत कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फरमानी नाज का ये शिव भजन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।